अब शिवखोड़ी यात्रा का ये तीसरा पड़ाव है। अब इस पड़ाव में हमें खाना है खाना, और बस नंबर है ये 85 57 45 है, और ये इस तरीके की बस है। और सब लोग खाना खाने के लिए यहाँ इस ढाबे पर रुके हैं। जय माता दी। और आज है 12 तारीख, दिन है बुधवार। तो अब हम अपने त्रिकुटा भवन से अपना रूम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें आज जाना है शिवखोड़ी। शिवखोड़ी दर्शन करने के बाद में हम फिर निकलेंगे शाम को। तो अब हम जा रहे हैं, और यहाँ से 8:30 9 बजे तक हमें शिवखोड़ी की बस मिल जाएगी। शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, और ये है वो शानदार पैलेस त्रिकुट भवन, जिसमें हम रुके हुए थे। ऑनलाइन पहले ही बुक कर दिया गया था। अब चल रहे हैं अपने नीचे, और देखते हैं कितने बजे हम उसे ट्रिप को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो जो ट्रिप है लगभग सुबह से शाम तक की होने वाली है, और वहां जाकर मैं आपको कुछ बताता हूं। और अब चलते हैं बाहर, क्योंकि हमारा जो है 3rd फ्लोर का था और रूम, और अब नीचे जा रहे हैं। देखते हैं 12 तक कोई कमरा बुक करते हैं, और वहाँ अपना लगेज रख कर आगे चलते हैं। फिर देखते हैं बस कितने बजे मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, वो सारी व्यवस्था भी चेक इन करनी है। वैसे तो रात मैंने जानकारी ले ली है यहाँ पर आसपास पर, लेकिन बताया गया कि टूरिज्म विभाग में हम अपना लगेज रख सकते हैं, लेकिन हमें रात को रुकना भी है ना, तो हमें रूम ही बुक करना पड़ेगा। तो सुबह ही बुक करा ली थी, इस वजह से हमें मिल गई थी लास्ट जो बस जाने वाली है, वो 10 बजे जाती है, फिर शाम को हमें 7-8 बजे यहाँ पर कराती है, और वहाँ पर यात्रा कराएंगे, और देखते हैं क्या होता है, कैसा अनुभव रहेगा। और शिवखोड़ी जाने के लिए पहला पड़ाव आ गया है, तो मंदिर का नाम क्या है हम आगे चल कर पता करेंगे। और इस मंदिर का नाम आगे जानेंगे, प्राचीन मंदिर जीतो बाबा। ये वही जीतो बाबा हैं जिन्हें माता वैष्णो देवी ने स्वयं दर्शन दिए थे, और यहाँ इसकी ये मान्यता है। थोड़ा आगे चलकर पता करेंगे। और अब मैं जीतो बाबा के सामने आ गया हूँ, और यहाँ से देख लेते हैं। और हमारे साथ भी जो आ रहे हैं वो ये हैं, बेटे ने बोतल ले रखी है, और प्राचीन जीतो बाबा मंदिर। ये जीतो बाबा की स्टेचू बनी हुई है, वो इस प्रकार से है, लेकिन उधर से जाएंगे तो फ्रंट चमकेगा, तो अभी दिखाएंगे। तो पहले दर्शन कर लेते हैं जीतो बाबा मंदिर में। यहाँ पर एक धारा है, ये नेचुरली धारा लगती है मुझे लगता है, और ऐसा कहीं लिखा हुआ तो है नहीं है। जीतो बाबा के दर्शन हो गए हैं, और अब चलते हैं अपनी बस की तरफ। बस इतना सही था, और वहाँ पर जो है कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो इस वजह से वहाँ कोई पिक्चर विक्चर हमने ली नहीं है, कोई फुटेज नहीं ली है। यहाँ पर हम हैं, चलो चलते हैं। मैं आपको जीतो बाबा का मैं आपको स्टैचू दिखाता हूँ, इस प्रकार का है ये, है वो जीतू बाबा का स्टेचू। दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं शिवखोड़ी के दूसरे पड़ाव पर, नौ देवी यहाँ पर गुफा है, और उस गुफा के दर्शन करेंगे। अब नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ गुड़हल के फूल की मान्यता है, तो वो गुड़हल का फूल लेते हैं। कितने रुपए गए, चलो दे दो। यहाँ गुड़हल के फूल की मान्यता है, और गुड़हल का फूल चढ़ाना जरूरी होता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये दुकानें हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन गुफा है जिसमें नौ देवियों के दर्शन होते हैं। और आगे चल रहे हैं धीरे धीरे,
फार्मेसी हम निकल कर आए, फार्मेसी में दिखाई दे रही है ना, इसी फार्मेसी हम निकल कर आए थे। और एक इसी का झरना है इस प्रकार का, वो ऐसी पाइप लगा रखा है, लेकिन ये प्राकृतिक धारा से आ रहा है। और इस जगह कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, देखा देख सकते हैं आप इस प्रकार का। और ये सामने माता के दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं आगे। ये बहुत वाटर पार्क है जो यहाँ पर सब लोग आकर नहाते हैं, तो एक बार स्नान कर लेते हैं। और यह है वो वाटर पार्क, सुंदर सा वाटर पार्क है, स्नान कर लेते हैं, नहाते हैं और इस वाले वाटर पार्क में। और ये तीन तरह के वाटर पार्क है, एक तो ये पुरुषों के लिए है और वहाँ पर है स्त्रियों के लिए, और उससे आगे है बच्चों के लिए, वो कम गहरा है, और यहाँ पर ये स्त्रियों के लिए है और उससे आगे है बच्चों के लिए। ये तीन वाटर पार्क बने हुए हैं, ये नेचुरल धारा ऊपर से आती है यहाँ से, और यहाँ से वो बहती है नेचुरल धारा। और मैं भी गोता लगा देता हूँ, पार्क है मजेदार, ड्यूटी ले रखी और काफी एंजॉय भरा मौसम है। नहा भी लिए हैं दोस्तों और दर्शन भी कर लिए हैं, अब चलते हैं अपनी बस की तरफ। और बस हमारा इंतजार कर रही है, और बस हमारा इंतजार कर रही है वहां पर। अंदर तो गुफा में जो है वीडियो या फिर फोटो वोटो खींचना तो अलाउड है नहीं, तो इसीलिए हमने वहाँ वीडियो नहीं शूट किया था। एक बार फिर से मैं आपको बाहर जाने का रास्ता दिखा देता हूँ, इधर से जाते हैं और वहाँ एक नदी है और ऊपर चलते हैं। बाहर जा रहे हैं अब शिवकोड़ी यात्रा का, ये तीसरा पड़ाव है। अब इस पड़ाव में हमें खाना है खाना, और बस नंबर है ये 85 57 45 है, और ये इस तरह की बस है। और हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ इस ढाबे पर रुके हैं, ये हमारा लंच है और टाइम हो गए हैं 1 बज गया है, टाइम 1 बज गया है, तो सभी लोग यहाँ बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। मैं भी बैठ जाता हूँ और उसके बाद में बातचीत करते हैं दोस्तों से। यह स्थान पूरा है और इस पूरे स्थान पर मुझे खाने का ऑर्डर दे दिया है, और थोड़ी देर में भी खाना भी आ लेगा और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। लो जी गर्मा गर्म खाना आ गया, अब खाते हैं उसके बाद भी बात करते हैं।